हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जन्नत एकेडमी में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे। प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा, ठीक है, और एसपी क्या होता है भैया, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, और सीपी होता है कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा। अब एक चीज ध्यान रखना, खरीदा और बेचा, अगर दूध में पानी मिला के बेचे, अगर दूध में पानी मिलाकर बेचे तो पानी मिलाकर बेचे और रेट टू रेट बेचे, मतलब कोई प्रॉफिट ना लेता हो, रेट टू रेट सेल करता हो बिना प्रॉफिट के, ठीक है ना। रेट टू रेट से मतलब हुआ सीपी बराबर एसपी। इससे क्या मतलब है, सीपी बराबर एसपी मतलब जितने में खरीदा उतने में बेचा। अच्छा एक बात बताओ, अगर जितने में खरीदता उतने में बेचता तो क्या फायदा होता, एक रुपया नहीं बचता, है ना, एक चवन्नी नहीं बचती बेचारे को, और कैसा भी करके फायदा नहीं होता। तो इसकी मजबूरी भी है, आप ये भी समझो बेचारे की क्या करें, बेच भी तो रेट टू रेट रहा है, तो अब क्या कर रहा है, रेट टू रेट बेच रहा है और पानी मिला रहा है। तो बस ये ध्यान रखना, जब भी पानी मिलाए और रेट टू रेट बेच रहे हैं तो प्रॉफिट का परसेंट जो होता है ना, प्रॉफिट परसेंट बराबर पानी का परसेंट, जितने परसेंट पानी उतने परसेंट प्रॉफिट, सिंपल सी कहानी है। लाभ प्रतिशत बराबर पानी का परसेंट, अरे जितने परसेंट पानी उतने परसेंट प्रॉफिट, सीधी कहानी है। बस इसे नोट कर लो, पानी मिलाकर बेचे रेट टू रेट अगर, तो प्रॉफिट कितना, जितने परसेंट पानी उतने परसेंट प्रॉफिट। इस पॉइंट को दिमाग में रखिए और बस, सवाल पूछ जाएंगे उनका आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल आप लिख ना पाए स्पीड में, हम प्रैक्टिस करेंगे, आप समझने पर ध्यान देना, फाइल सेव हो जाएगी, आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, आप घर पे जाके अपने नोट्स बना लोगे, सही है ना। अब मैं सवाल दे रहा हूं और आप आंसर देने के लिए तैयार, रेडी, कोई परेशानी। चलो पहला सवाल, पानी मिलाता है, क्रेमूल पे बेचता है, 25% प्रॉफिट लेता है, कितने परसेंट, गेंस बाय 25%। अगर गेंस बाय 25% प्रॉफिट होता है तो कितने परसेंट पानी मिलाता है, जितने परसेंट प्रॉफिट उतने परसेंट पानी, जितने परसेंट पानी उतने परसेंट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट 25% तो पानी भी 25%। आंसर बी, कितनी सी बात, लिख ना पाओ तो कोई बात नहीं, घर पर लिख लेना, समझते चलो। क्रेमूल पर बेचे पानी मिलाकर, तो जितने परसेंट प्रॉफिट होगा उतने परसेंट पानी होगा, जब प्रॉफिट 25% है पानी भी 25% है, ठीक है। अगला सवाल, मन में सोच लो, कितना आंसर, पानी मिलाता है, क्रेमूल पर बेचता है, 20% प्रॉफिट लेता है, जब 20% प्रॉफिट लेता है तो पानी कितना, 20% ही पानी मिलाता होगा। बस भाई, दूध में पानी मिलाता है और कॉस्ट प्राइस पर सेल करता है, पानी मिलाएगा और कॉस्ट प्राइस पर सेल करेगा, पानी मिलाएगा क्रेमूल पर बेचेगा, जब पानी मिलाएगा क्रेमूल पर बेचेगा तो जितने परसेंट पानी मिलाएगा उतने परसेंट लाभ कमाएगा, और जब पानी मिला रहा है कितने परसेंट, 20%, तो लाभ भी कमाएगा 20%। क्लियर, आगे मन में सोचेंगे, दूध वाले ने 630 रुपए में 70 लीटर दूध खरीदा, मिल्कमैन वॉट 70 लीटर ऑफ मिल्क और ₹630 एंड एडेड 5 लीटर ऑफ वॉटर, इफ द सेल्स इट एट ₹9 per liter, हिज प्रॉफिट परसेंट इज, उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये पूछा है आपसे। मन में सोच लेंगे और चेक करेंगे अभी।
समय समाप्त, ए वाले लोग, बी सी डी। दूध कितने रुपए लीटर खरीदा, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। इतने रुपए में 70 लीटर, 70 लीटर दूध कितने में, 630 में। तो सीपी निकालो पहले, कॉस्ट प्राइस। खरीदा कितने रुपए लीटर, 630 में 70 लीटर दूध लाया, 9 रुपए लीटर खरीदा, 9 रुपए लीटर खरीदा, 9 रुपए लीटर खरीदा और 9 रुपए लीटर बेचा, 9 रुपए लीटर खरीदा और बेचा किस रेट में, 9 रुपए लीटर बेचा। अब सुनो, 9 रुपए लीटर खरीदा, 9 रुपए लीटर बेचा, रेट टू रेट बेचा, 9 रुपए लीटर ही खरीद रहा है, 9 रुपए लीटर ही बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, रेट टू रेट। सीपी बराबर एसपी, सीपी बराबर एसपी। और जब सीपी बराबर एसपी तो क्या बताया था, पानी का परसेंट और प्रॉफिट का परसेंट कैसा होता है, बराबर। ये पूछ रहा है पानी प्रॉफिट का परसेंट, क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट का परसेंट, तुम निकाल लो पानी का परसेंट, बात तो एक ही है। अभी बताया था ना, पानी का और प्रॉफिट का परसेंट कैसा होता है, बराबर, जब सीपी बराबर एसपी। भाई खरीदा भी 9 रुपए लीटर में और बेचा भी 9 रुपए लीटर में, सीपी बराबर एसपी, सीपी बराबर एसपी। और अभी हमने कहा था रेट टू रेट बेचने की बात आए, 9 रुपए लीटर खरीदा, 9 रुपए लीटर बेचा। तो अभी हमने ये बात कही थी कि ऐसा होगा कि रेट टू रेट सीपी बराबर एसपी, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर वाटर परसेंट, लाभ परसेंट बराबर पानी परसेंट, जितने परसेंट लाभ होगा उतने परसेंट पानी होगा, ये जितने परसेंट पानी होगा उतने परसेंट लाभ होगा। अब मुझसे कोई लाभ का परसेंट पूछे, क्यों ना मैं पानी का परसेंट निकाल दूं, कोई पानी का परसेंट पूछे, क्यों ना मैं लाभ का परसेंट निकाल दूं, बात तो एक ही है ना। अभी जिस सवाल की हम बात कर रहे हैं उस सवाल में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है भैया इसमें लाभ का प्रतिशत बताओ, क्यों ना पानी का परसेंट निकाल लें। तो कितना पानी, कितना पानी, 5 लीटर। बोल मेरी मछली कितना पानी, गेम होता था बच्चों को पहले, हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, कुछ ऐसा हल्का हल्का याद आ रहा मुझे, 5 लीटर पानी, ठीक है। कितने दूध में, 70, तो परसेंटेज निकालनी है पानी की, 70 लीटर में 5 लीटर, परसेंट के लिए गुणा 100, बस काट पीट शुरू, चेक करो। अरे पानी का परसेंट बराबर लाभ का परसेंट, वाटर का परसेंट प्रॉफिट का परसेंट, बराबर ही तो आएगा, हमने निकाला है पानी का परसेंट और यही बराबर होगा लाभ के प्रतिशत के। तो हम पानी निकालते हैं, पानी 5 लीटर कितने में, 70 में, तो 70 लीटर में 5 लीटर, परसेंट के लिए गुणा 100, परसेंट के लिए गुणा 100, इसे काट पीट कर लो, कुछ कटेगा, जीरो से, जीरो के अलावा कुछ नहीं कट रहा, तो 50/7% यानी कि 7/7%, इतने परसेंट पानी, इतने परसेंट प्रॉफिट, क्योंकि बात हुई थी जितने परसेंट प्रॉफिट उतने परसेंट पानी, और जितने परसेंट पानी उतने परसेंट प्रॉफिट। क्या ऐसा कर ले, अन्यथा फिर वही करना पड़ेगा, टोटल सीपी निकाल लो, टोटल एसपी निकाल लो, फिर वो करना पड़ेगा मुझे, टोटल सीपी कितने में कुल खरीदा, टोटल एसपी कितने में कुल बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। अब इतने सवाल के लिए इतना काम क्या करना, चलो छोड़ो, आगे मन में सोच लेना, कोई नहीं बोलेगा, एबीसीडी सोच लेंगे, सबसे आसान सवाल इस पूरी सीरीज का, इससे आसान सवाल आपको दिया लेके ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगा। आ भी गया आंसर, मैं जानता हूं आपके मन में, बस एबीसीडी करने पे ही बोलेंगे। अभी एक दूध वाला दूध को क्रैमूल पे बेचने का दावा करता है, मतलब रेट टू रेट बेचने की बात करता है, ठीक है, क्या बोलता है, सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, लेकिन पानी मिलाता है और 25% प्रॉफिट लेता है, पानी मिलाता है 25% लाभ कमाता है। तो सवाल यह है 1 लीटर के स्थान पर कितना दूध देता होगा, काफी आसान, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी कितने परसेंट प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, तो कितने परसेंट पानी, मन में सोच लीजिए, ठीक है। तो 1 लीटर के लिए कितना दूध
लेता है ऐसा मन में सोचना है। एक लीटर में कितने ml होते हैं बताइए? 1000 ml। एक लीटर में 1000 ml, सही है? सोच लिया? चलो ए भाई लोग 750, बस 750, मजा नहीं आया अभी। 250, 800, 900, कितना तो आसान है, पता नहीं क्यों आप इतना लेट कर रहे हो। अरे भाई कितने परसेंट उसमें मुंह मिलाता है, प्रॉफिट लेता है? 25% प्रॉफिट लेता है तो कितने परसेंट पानी मिलाता है? 25% पानी मिलाता है। 25% प्रॉफिट लेता है तो 25% पानी मिलाता है। तो फिर एक लीटर, एक लीटर का 25%, 250 ml पानी, तो बाकी 750 ml दूध। ऐसे ही तो सिंपल सी बात, दोबारा समझो। 25% पानी मिलाता है तो 25% प्रॉफिट कमाता है, तो पानी कितने परसेंट? 25% पानी, एक लीटर का 25%, एक लीटर में 1000 ml, 1000 ml का 25% में 250 ml, 250 ml पानी, तो बाकी 750 ml दूध होना चाहिए, सही है? लेकिन आंसर इसका 800 आएगा, दिक्कत ये है। लेकिन मुझे इस बात की दिक्कत नहीं है कि 800 आएगा, दिक्कत इस बात की बहुत सारे लोगों ने 750 भी नहीं दिया, इतना देना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब ये 800 क्यों आएगा उसे समझने के लिए आपको जाना होगा दूसरे सवाल पे। इस सवाल को करेंगे इससे समझ में आएगा, इसको ट्राई करें, इसे ट्राई करेंगे इससे पता चल जाएगा हमें, मन में सोचें, इसको करेंगे ना इससे हमें पता चल जाएगा। सोच लिया? सवाल सिंपल सा है कि दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, 25% लाभ कमाता है, ठीक है? जब 25% लाभ कमाता है तो पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? बेहद आसान, ठीक है? सोच लिया गया? ए ले लो, बी, सी और डी। बहुत बढ़िया, एक काम तो सही किया तुमने, 25%, बस यहीं से कनेक्ट कर देंगे उस सवाल को। कैसे? सुनो, तुमने कहा कि 25% प्रॉफिट होगा, अगर 25% प्रॉफिट होगा तो कितने परसेंट पानी होगा? 25% पानी होगा, तो इसका मतलब यह हुआ अगर दूध है 100 लीटर तो पानी है 25 लीटर, ऐसा बोल दे भाई, 25% पानी मिलाएगा किसमें? दूध में, तो 100 लीटर दूध में 25 लीटर पानी, इसी को तो 25% बोलेंगे। रेशो निकालो इसका काट के, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1:4 रेशो क्या होगा? 1:4। या तो ऐसे बोल सकते हैं, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक काम करो, 25% को हम 1/4 भी तो कहते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू होती है परसेंट की, 25% यानी 25/100, परसेंट लेकर 100 आएगा और 100 आएगा तो 25 चौका 100, 1/4। जैसे नहीं होता, 50% को कहते हैं आधा आधा, भाई कोई भी काम है, घूमने चल रहे हैं, चले यार खर्चा 50-50 कर लेंगे या आधा आधा कर लेंगे, बोल देते हैं ना, क्या कर लेंगे? 50-50, आधा आधा, एक ही बात है ना, 50% बराबर आधा, 1/2, ऐसे 25% 1/4। तो ऐसे करो, 25% 1/4, इसका मतलब अगर दूध 4 है तो फिर पानी 1 है, 1:4, क्या इतनी बात समझ गए? बस अब इस सवाल में आ जाओ, कितने परसेंट प्रॉफिट लेता है? 25%। अगर ये 25% प्रॉफिट लेता है तो 1/4 प्रॉफिट लेता है, तो पानी में 1/4 मिलाता है, तो मिल्क अगर 1:4 है तो पानी कितना होगा? वाटर 1। तो क्या किया इसने? बड़ा सा ड्रम लिया इसने, उस ड्रम में क्या रखा इसने? दूध और पानी, या पानी और दूध, एक ही बात है, तो पानी और दूध रखा किस अनुपात में? 1:4 में मिला के बैठा है ये, एक बर्तन है, ड्रम है, उसमें क्या किया इसने? अरे 25% प्रॉफिट लिया, 25% प्रॉफिट लिया तो पानी 25% मिलाया, 25% पानी मिलाया मतलब 1:4, तो इसने एक बड़े से बर्तन में 1:4 के अनुपात में भर के बैठा है, किसका? दूध और पानी का मिक्सचर। अब तुमने कहा भैया लाओ 1 लीटर दूध दे दो,
क्या देते हो? 1 लीटर दूध। तो हम 1 लीटर दूध लाएंगे या 1 लीटर मिक्सचर लाएंगे? हम जब बर्तन लेके जाएंगे कहेंगे भैया 1 लीटर दूध दे दो, उस बर्तन में दुकानदार क्या देगा, 1 लीटर दूध या 1 लीटर मिक्सचर? दूध नहीं देगा, दूध और पानी का मिक्सचर देगा। अच्छा मिक्सचर किस अनुपात में? 1:4 में। तो 1 लीटर में कितने ml? 1000। तो 1 लीटर में होते 1000 ml। तो ये 1000 ml को 1:4 में ही तो तोड़ोगे। जिस बर्तन में दूध पानी का मिक्सचर बना हुआ है वो तो 1:4 के अनुपात में बना हुआ है ना। तो इस 1000 ml को 1:4 में तोड़ो, ब्रेक करो इसे। तो कैसे करोगे? 4 और 1 5 यूनिट बराबर 1000 ml। तो 1 यूनिट बराबर 200 ml, 1 बराबर 200। जब 1 बराबर 200 तो 4 बराबर 800 ml। तो जब तुम 1 लीटर उससे दूध लाओगे तो 1 लीटर में दूध 800 ml होगा, पानी 200 ml होगा। ना कि वो करना है कि 25% प्रॉफिट 25% पानी, यानी 1 लीटर का 25% पानी ना, 1 लीटर दूध में 250 ml पानी, 1:4 बनेगा ना, 25 × 100, 1:4 का अनुपात होगा उस बर्तन में। भाई ड्रम में दूध लगा के बैठा है वो, तो बंदा तो पहले से ड्रम में दूध लगा के बैठा है ना, तो 25% पानी मिलाएगा। पहले मिलाओगे तभी तो लोगे, ये बताओ दूध खरीद रहे हो, पहले दूध मिलने दोगे या पहले खरीद लोगे? पहले मिलने दो, तो मिलने तो दो, 25% प्रॉफिट 25% पानी, 100 लीटर में 25 लीटर, 4:1, 1:4 मिल गया, अब खरीद लो। तो 1:4 के अनुपात में 1000 ml ले आओ, 200 और 800। सब किए कराए पे पानी फिर गया, पानी मिला तो नहीं, पानी फिर जरूर गया सर, गई भैंस पानी में है। समझ में नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है आज। बिल्कुल आसान सी बात है, टेंशन मत लो, दोबारा समझो नए सिरे से। मैंने आपसे कहा कि दूध में पानी मिलाएं, अरे मेरी बात सुनो, दूध में पानी मिलाएं और क्रय मूल्य पर बेचें। तो पॉइंट ये है, जितने परसेंट पानी मिलाएंगे उतने परसेंट प्रॉफिट होगा, सही है। हमने प्रॉफिट लेना है 40-25%, तो पानी मिलाना है 25%, 25% यानी 1/4, यानी दूध 4 लीटर है तो पानी 1 लीटर है। तो जो बर्तन में मिक्सचर लगा के दुकानदार बैठा है, 1:4 में तो लगा के बैठा है, 1:4, 1:4, तो 1:4 में उसने दूध पानी घोल के रख दिया, तुमने 1 लीटर दूध की डिमांड करी उससे, तो उसने इसी में से निकाल के दिया ड्रम में। तो उस 1 लीटर में 1:4 के अनुपात में उसे ब्रेक करो, आप लिखोगे 4x और 1x, लगाते हो नहीं लगाते हो, 4x और 1x, 4 और 1, 5x बराबर 1000 ml, 5x बराबर 1000, तो x बराबर 200, तो 1x बराबर 200, 4x बराबर 4×2 800, पानी 200, दूध 800 ml। जिन बच्चों ने अभी तक SSC CGL 2024 का बैच ज्वाइन नहीं किया है, यकीन मानो इतना शानदार बैच ऑर्गेनाइज किया गया है जिसके आगे ऑफलाइन कोचिंग भी फेल है। बाकी की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे चैनल पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद।